तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप इस टाइप के वीडियो आप देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और लाइक की बात करें तो 2 लाख 7 लाख लाइक भी आया हुआ इस टाइप के वीडियो में। तो दोस्तों इस टाइप की वीडियो आपको बनाना है तो किस प्रकार आपको वीडियो को शूटिंग करना होगा और किस प्रकार वीडियो को एडिट करना होगा, आज के वीडियो में इसी के ट्यूटोरियल जारी है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से कैनमास्टर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों यदि आप प्ले स्टोर से कैनमास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे कैनमास्टर एप्लीकेशन में वाटरमार्क मिल सकता है। लेकिन यदि आप कैनमास्टर एप्लीकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे कैनमास्टर एप्लीकेशन में वाटरमार्क नहीं मिलेगा। तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से कैनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आप इस टाइप के वीडियो आपको ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लेना है। यदि आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आप इस टाइप के वीडियो शूट कर लेना है। इन दोनों में से किसी प्रकार का वीडियो आप शूट कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार वीडियो को। आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड होने के बाद अपने मोबाइल फोन में एक कैनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:0 को सिलेक्ट कर लेना है। आपको मीडिया पे आना है। इसके बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फोन से वीडियो को शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो हमारा इस टाइप का वीडियो शूट किया गया है। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो शूट कर ली है तो अगर मान लो कि आपको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड का जो पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद यदि आपको राइट साइड का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको वीडियो के लास्ट तक लेकर आना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। इससे हमारा राइट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है जो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। वीडियो को आपको करना क्या, सिंपल सी वीडियो के लेयर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कलर फिल्टर पर आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लू कलर पर रेड कलर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है। अब फिर से बाद कलर एडजस्टमेंट पे आना है। इसके बाद आप कलर आपको सही तरह से एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेना है। इसके बाद आपको वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से हमें दो बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर से हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को फिर से हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो हमें बैकग्राउंड में लगाना है वो वीडियो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमें लेयर पर आना है। लेयर पर आने के बाद मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे वो वीडियो को यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को हमें यहाँ पर फुल साइज कर लेना है। फिर से हमें वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रोमा की को इनेबल कर देना है और यहाँ पे कलर की रेड आपको होना चाहिए। और इसके बाद फिर से हम यहाँ डन कर देते हैं। और जो हमारा कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है पहले एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट कर। तो यहाँ पे वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप वीडियो जो है आप यहाँ पे इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो को हमें एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर हमें साउंड की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि जो फर्स्ट वाले वीडियो थे इसमें ऑलरेडी साउंड है। यदि अदर साउंड लगाना है तो आप अदर साउंड भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा जो वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो जो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पर अपडेट होता रहता है। दोस्तों यदि आप किसी भी टिकटॉक के ट्रेंडिंग टॉपिक के ट्यूटोरियल आप जानना चाहते हैं, टिकटॉक वीडियो का लिंक या फिर वीडियो को डाउनलोड कर हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो के लिंक या फिर वीडियो सेंड कर सकते हैं।